भीलवाड़ा जिले से प्रदीप वैष्णव की रिपोर्ट के अनुसार भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ नगर पालिका में सर्वदलीय व सर्व समाज की बैठक सर्किट हाउस में मांडलगढ़ विधायक गोपाल खंडेलवाल, पूर्व विधायक एवं बीएन कॉलेज उदयपुर के कार्यकारी अध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह के सानिध्य में हुई। बैठक में सर्वसम्मति से वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा महाराणा प्रताप स्मारक में लगाने का निर्णय लिया गया। वहीं पूर्व विधायक प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि मेवाड़ ही नहीं अपितु पूरे हिंदुस्तान की आन बान शान महाराणा प्रताप की 21 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा स्थापित की जाएगी, जो कि राजस्थान की सबसे ऊंची विशाल प्रतिमा होगी। वहीं सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि रेलवे स्टेशन के सामने दशहरा मैदान में महाराणा प्रताप स्मारक पर विधि विधान एवं मंत्रोच्चार के साथ स्थापना की जाएगी। वहीं कार्यक्रम के दौरान सर्व समाज के गणमान्य लोग, मांडलगढ़ बार एसोसिएशन के अधिवक्तागण, मांडलगढ़ पार्षद, पूर्व पार्षद सहित जनप्रतिनिधियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। मंडलगढ़ में वर्षों से लोगों का मानस बना हुआ है कि ये ऐतिहासिक भूमि है और ऐतिहासिक नगरी है। यहाँ पर महापुरुषों की मूर्तियाँ लगनी चाहिए और उसमें सर्वसम्मति से जो नाम उभर कर आया है वो महाराणा प्रताप की मूर्ति लगाने के लिए आया है। तो आज मंडलगढ़ के हमारे वर्तमान विधायक, यहाँ के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष, नगरपालिका के पूर्व चेयरमैन साहब, पूर्व वाइस चेयरमैन साहब और कई पार्षदगण और मंडलगढ़ के प्रबुद्ध नागरिक, बार एसोसिएशन के चेयरमैन भी उसमें आए हैं, वकील लोग भी बता रहे हैं, सीनियर वकील कैलाश जी तमोली, सब लोग यहाँ इकट्ठे होकर सबने एक स्वर से कहा कि महाराणा प्रताप की मूर्ति यहाँ पर लगनी चाहिए। ये मेवाड़ की धरती, मैं तो यूँ कहूँगा कि हिंदुस्तान की धरती महाराणा प्रताप की ऋणी है, इसलिए उस महान वीर की यहाँ पर बहुत विशाल प्रतिमा लगाई जाए। उसके लिए स्थान को लेकर भी लंबी विस्तार पूर्वक चर्चा हुई और सब लोगों की आम राय ये थी कि या तो किले पर या फिर ये जो महाराणा प्रताप पार्क बना हुआ है दशहरा मैदान में, इसमें लगाई जाए। आम ज़्यादातर लोगों की राय थी कि महाराणा प्रताप पार्क के अंदर मूर्ति लगाई जाए ताकि हाईवे और रेलवे स्टेशन और सब जगह से